अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने आप को सजग कर लेंगे, निद्रा आदि वृत्तियों से, तमस से अपने आप को पृथक करते हुए नवीन विषय, उसमें भी नवीनता से जानने की तीव्र इच्छा के साथ मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम शांतिकरण प्रकरण के 23वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। यह यजुर्वेद के 34वें अध्याय का चौथा मंत्र। जी नमस्ते सविता माता जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। सबसे पहले इसके शुद्ध उच्चारण को देख लेते हैं। देखिए, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्। देखो यहाँ पर कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे ना अनुस्वार, तो देखो बाद में भा है तो पावर्ग में, क्योंकि पावर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, मा, तो अनुस्वार के बाद भार है तो देखो माँ हो गया हर जगह। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत, भविष्यत परिगृहीतम, गृहीतम मृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः
शिव संकल्प मस्तु। उच्चारण देख लीजिए एक बार। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। और संहिता में देखेंगे तो बस इसमें संहिता एक स्थान पर होगी, मनः शिवसंकल्पमस्तु, मनः शिवसंकल्पमस्तु, बस यहां पर संहिता है, बाकी पाठ एकदम पूर्व की भांति ही होगा। चलिए तो सभी को स्पष्ट है, ठीक है, तो थोड़े से सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके भाष्य पर विचार करेंगे और उस भाष्य को देखते हुए ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे जीवन में अब आचरण करने योग्य क्या है इस अर्थ के अनुसार, इस मंत्र के अर्थ के अनुसार। आदर्श माता जी से सुन लेते हैं। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येनेदं नहीं करेंगे माता जी, यहाँ पर सब में माँ करेंगे, ये नेदम भूतम भुवनम, ये और इसके बाद आगे आइए परिगृहीतमा मृतेना। परिगृही यहां तक आप ठीक हैं, लेकिन उसके बाद तमा मृतेना इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। परिगृहीतमा मृत तेना, ऐसा करें परिगृहीतमृतेना। अब ठीक है, यज्ञस्तायत इसको सानुनासिक वर्ण कहते हैं ज्ञा को, तो यज्ञस्तायते, यज्ञस्तायते, ठीक है, बाकी का आपका सही है। चलिए तो कई लोग आज नए भी जुड़े हैं कक्षा में, तो मैं आपको सबसे अंत में आमंत्रित करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी स्पष्टता आ जाए कि कैसे कैसे मंत्र का शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो दिगंबर जी से सुनते हैं। जी आचार्य जी। ओम एनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहतम ऋतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। एक शब्द में, बस एक शब्द में त्रुटि है, परिगृहीतमृतेन ऐसा नहीं करेंगे, परिगृहीतम पहले एक पद बोलेंगे। देखो मैं इस पूरे पद को अलग अलग करता हूं, अब कोई भी त्रुटि मत करना भाई। देखो एक को बताया जाता है तो सबको बताया जाता है, अगर एक ही बात को सबको बताएंगे तो फिर तो गड़बड़ हुई ना, किसी एक को बता दिया तो फिर सबको समझ लेना चाहिए। देखो मैं पूरे पद को अलग अलग कर रहा हूं, परिगृहीतमृतेना, पूरा पद का उच्चारण होगा परिगृहीतमृतेना, परिगृहीतमृतेना, ये इसका शुद्ध उच्चारण। एक बार उच्चारण कीजिए दिगंबर जी। परिगृहीतमृतेना, बस बहुत सुंदर, अब आपका ठीक हो गया। जी आचार्य जी, ठीक है। रवि प्रकाश जी।
आचार्य ओम ए नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीत ममृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। परिगृहीतम तम या तो ऐसा कर लीजिए या परिगृहीतम अमृतेन ऐसा कर लीजिए एक और यज्ञ स्थायत नहीं करेंगे यज्ञ ज्ञ ज इया और आ इन तीन अक्षरों से मिलकर के ये ज्ञ बनता है। आगे संयुक्त अक्षर वर्णोच्चारण में पढ़ाऊंगा वहां पर और स्पष्ट आएगी यज्ञस्ता। हाँ अब ठीक हो परिगृहीत ममृतेन जी। नंदन सिंह जी जी आचार्य ओ इनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहूता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया उच्चारण। हाँ दीपक जी आपके पास भी आता हूँ अभी। तो इनके बाद रामपाल जी से सुन लेते हैं। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् भविष्यत् प्रीणि परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम् येन यजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। बढ़िया यजस्तायत नहीं करेंगे यजस यज्ञ यज्ञस यज्ञस यज्ञस्तायते ऐसा करेंगे यजस्तायते। चलो बहुत अच्छा पहले से बहुत ठीक हुआ। ठीक है बाकी का लगभग ठीक ही है थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे प्रतिदिन तो ठीक हो जाएगा। अच्छा एक जानकारी साझा कर देता हूं आज से लगभग वर्षों पूर्व हमने शांति करणम का पूरे का उच्चारण के साथ वीडियो बनाया था और वो वीडियो मैंने समूह में इसलिए साझा किया था ताकि आप उसको प्रतिदिन सुने देखें उसमें स्क्रीन में मंत्र जैसे बोलते हैं तो ऊपर मंत्र लिखा आता और नीचे उसके पद लिखे आते हैं। बहुत अच्छे प्रकार से उसकी एडिटिंग में पर्याप्त समय हमें लगा था लेकिन बहुत अच्छा है आप उसको देख करके प्रतिदिन अभ्यास करेंगे ना। मैं चाहता हूं ये मेरी हार्दिक इच्छा है आप लोग जितने लोग पढ़ते हैं आपका उच्चारण ऐसा हो कि कोई आचार्य भी आपको ये ना कहे कि आपके उच्चारण में अमुक स्थान पर एक त्रुटि है ऐसा आप सभी का शुद्ध उच्चारण हो जाए जितना जितना विषय हम पढ़ते जा रहे हैं। अस्तु ठीक है इनके बाद शारदा चौधरी जी शारदा माता जी सबको ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम् येन यजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ठीक है यजस्तायत नहीं करेंगे यजस्तायते ठीक है यज्ञस ऐसा करेंगे और परिगृहीतम ऐसा करेंगे परिगृहीतम। म्यूट कर लीजिए प्रथम बार है बड़ा अच्छा प्रयास था जी। एसपी सिंह जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त
होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया। इनके बाद में अच्छा तेज कृष्ण जी बोल दीजिए, आप भी चलिए। ओम ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परि गृहीतमामृतेन सर्वं येन यजस्तायते सत्होता तन्मे मनां शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत उत्तम। विजय बजाज जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी को साधन नमस्ते। भविष्यत परिगृहेतमामृतेन सर्वं येन यजस्तायते सत्होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बढ़िया। यजस्तायत नहीं करेंगे, मैं सबको यही बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए ना। पूरी कक्षा में सैकड़ों विद्यार्थी होते हैं और आचार्य किसी एक को बता देते ना, किसी एक बालक को, बाकी सब विद्यार्थी लगभग उसको ठीक कर लेते हैं। और यदि कोई विद्यार्थी ठीक नहीं करता और जब उसका नंबर आता है उससे पूछते हैं, वही त्रुटि यदि दोहराता है ना, तो आचार्य उसको कहते हैं यही त्रुटि को इसके लिए भी तो संशोधित कराया जा रहा था, ध्यान कहाँ था आपका। तो आपके लिए भी यही है, जब किसी त्रुटि को एक के एक को ठीक करा जाए तो आपको भी ठीक कर लेना चाहिए। दो शब्दों में सब लोग त्रुटि कर रहे हैं, देखो ना, कई बार बता चुका। परिगृही तमा मृतेना और यजस्तायत नहीं, यज्ञस्तायते। आप प्रथम बार हैं, चलिए अभ्यास हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ू आचार्य बस अलम दीप्ति का माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनस शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा दंत्य सकार में और उसको ठीक कर लीजिए। शिव संकल्प, शिव संकल्प, ऐसा हो जाए। चलिए जी, इनके बाद गौरव जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य जी। ओम ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् तममृतेन सर्वं येन यज्ञस्य तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा बेटा। देखो, जब आपने परिगृहीतम बोल दिया था ना, तो अमृतेन कर देते, अकार को इधर ले आते, है ना, तो दोबारा से उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं थी, एक बात। और यज्ञस्य, यज्ञस्य तायते नहीं बेटा, यज्ञस्तायते। जी जी आचार्य जी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात, इसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ सत्य प्रकाश जी। हाँ जी गुरु जी, नमस्कार जी। नमस्ते। ओम ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण। थोड़ा सा संकल्प को ठीक कर लीजिए, इसमें दंत्य सकार है, ठीक है। उसमें देखो एक तरीका बताता हूँ, कई दिन से बता रहा हूँ, शिव को थोड़ा सा अलग कर लीजिए और शिव और संकल्प के बीच में छोटा सा गैप क्रिएट कर लीजिए, बिल्कुल ठीक उच्चारण आएगा। शिव संकल्प ऐसा करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा।
ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। सविता आर्य जी। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यता परिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यज्ञस्य तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। बहुत अच्छा प्रयास। देखो ना, भविष्यता, तामे तो हलंत लगा है, तो हलंत अक्षर को तो आधा बोलते हैं, जिसके नीचे हलंत लगा होता है उसको आधा बोलेंगे, तो भविष्यता ना करके भविष्यत भविष्यत ऐसा उच्चारण करेंगे। और सर्वम सर्वम नहीं करेंगे, सर्वम सर, अगर ऐसा बोलेंगे तो रेफ तो हमने पूरा कर दिया, जबकि रेफ आधा है, तो सर्वम ठीक है, बाकी का आपका। और एक और देखो, गृहीतम मृतेन नहीं करेंगे, मामे को हलंत थोड़ी है, ता के बाद जो मा इसमें हलंत नहीं है, तो उसको पूरा बोलेंगे तमा तमा, बाकी ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। दीपक राणा जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् प्रिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। बहुत सुंदर प्रयास, बड़ा अच्छा प्रयास है। और चूंकि आज आप प्रथम बार हैं, तो भविष्यत भविष्ययत नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही अकार है, ठीक है, भविष्यत भविष्यत बस भविष्यत। हाँ, और यज्ञस्य ऐसा नहीं, यज्ञस्तायते यज्ञस्तायते ऐसा। चलिए, और कोई ऐसे सज्जन हैं, क्योंकि कई सारे लोग नए जुड़े हैं आज की कक्षा में, और जो चाहते हैं कि आचार्य जी हमारा भी उच्चारण ठीक हो जाए, इसलिए हम भी सुनाना चाहते हैं, कोई अगर है तो अपना हैंड रेस कर दीजिए। आचार्य जी मैं सुनाना। जी सुनाइए। हाँ बोलिए, शाबाश। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण, ठीक है। तो कई लोगों ने हाथ खड़ा किया। अच्छा, अमित माने जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास। एक स्थान पर चूक गए थोड़ा सा, उसको देखो, दो स्थानों पर परिगृहीतम मृतेन। आश, और एक पद और देखो, येना के बाद दूसरी वाली पंक्ति में येना यज्ञस्तायते। बहुत सुंदर, ठीक है। इनके बाद अनुपमा जी। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत ही सुंदर उच्चारण। अभी तक ये जो ज्ञा है इस वर्ण का एकदम सटीक उच्चारण, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अनीता मीना जी। आचार्य जी बोलती हूँ। ओम इने दम भूतम भवनम भविष्यत प्रिगृहितम मृतेन सर्वम येन यज्ञशतायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अच्छा प्रयास है। यज्ञस तायते, ऐसा नहीं, यज्ञस, यज्ञस क्योंकि सकार आधा है। यज्ञस तायते, बोलिए यज्ञस तायते। यज्ञस सा को अपने वश में रखो। यज्ञस तायते, यज्ञस तायते। यज्ञस क्यों कर रहे हो, ध्यान से पहले सुनो एक बार। यज्ञस तायते, यज्ञस तायते, यज्ञस तायते। नहीं, ठीक नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। और परिगृही तम मृतेन, ऐसा नहीं करेंगे, तमा तमा मृतेन, पुष्पारोरा जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत मामृतेन सर्वं येन यजस्तायते सप्होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बढ़िया प्रयास। देखो माताजी ने परिगृहीत ममृतेन ऐसा कर दिया, ये भी ठीक है, यानी आगे पीछे हो गया लेकिन उच्चारण इन्होंने ठीक कर लिया। दो स्थानों पर देखो माताजी, यजस्तायते नहीं करेंगे और सप्त होता, सप्त तावी तो पूरा है ना, तो पहला पद यज्ञस्तायते एक और सप्त होता, ठीक है जी। यज्ञस्तायते सप्त होता, हाँ सप्त, और इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, सप्त होता, सप्त होता, सप्त होता। चलो अलका राणा जी। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् प्रिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यजस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चलिए जो लोग नए जुड़े हैं और अलका माता जी के लिए भी कहूंगा कि देखो जो लोग नए जुड़े हैं जब आप सुनाया करो तो तुरंत जिसका नाम लिया जाए अपने आप को अनम्यूट करके सुनाया करो, पहले से तैयारी कर लिया करो, एक बात। दूसरा, जब आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ सुनावे तो अपने पंखे आदि की स्पीड को कम कर लिया करो, बहुत व्यवधान आ रहा था आपकी ओर से, ठीक है। आगे कक्षाओं में ध्यान रखिए, कभी भी कहीं भी जुड़ जाना सहज है लेकिन जहां जुड़े हो वहां निरंतर और नियमित जुड़े रहना ताकि हम सीख सकें, तब विद्या। एक दिन कहीं जुड़ गए, जुड़ करके देख लिया और बस फिर छोड़ दिया, फिर कभी छोड़ दिया, फिर कभी आ गए, ऐसे नहीं। यदि कहीं जुड़े तो जुड़ने के लिए जुड़े और जुड़ करके बढ़ने के लिए जुड़े। लोग वर्षों जुड़े रहते हैं, एक इंच नहीं बढ़ पाते। कल की एक बात बताता हूं, एक घटना, फिर आप इसके भाष्य पर विचार करते हैं। देखो सरल हृदय व्यक्ति ये होता है। सत्य प्रकाश जी के मध्य और हम सबके मध्य एक संवाद कल हुआ और उस संवाद के बाद यदि कोई आग्रही व्यक्ति होता, यदि कोई दुराग्रही व्यक्ति होता, यदि कोई हठी व्यक्ति होता तो कक्षा में नहीं आता। लेकिन ये होती है सरलता, ये होता वास्तव में बढ़ना। जिसके भीतर में बढ़ने की शुद्ध भावना है उसके लिए अगर कोई भी है, कुछ भी दोष हो गया, कोई त्रुटि हो गई और उस त्रुटि को ना उसे स्वीकार करने में कोई समस्या है
और उस त्रुटि को के विषय में जिसने उसको बताया है, ना उसके साथ संवाद में से कोई समस्या। तो ये होता है सरल हृदय, जो वास्तव में बढ़ना चाहते हैं। और देखो प्रत्येक आचार्य का हृदय यही होता है, जो बढ़ना चाहता है ना, उसको बढ़ाने के लिए आचार्य अपना एक एक श्वास तक लगा रहता है, एक एक श्वास। चलिए आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। जो भी लोग बीच में जुड़े हैं उन सबसे निवेदन है, कक्षा का एक अनुशासन है, समय से कक्षा माया करें। आप 6 बजे तक 55 तक कक्षा में आ रहे हैं, कुछ लोग 40 पे जुड़ रहे हैं, कुछ 45 पे जुड़ रहे हैं। बंधुओं, आदरणीय सज्जनों, कक्षा का समय 5:30 का है, हम 5:25 पे जुड़ जाते ताकि लोगों को व्यवधान ना हो, लोग समय से जुड़ जाएं। आप लोग बाद में जुड़ेंगे फिर आपकी अनेकों त्रुटियों को फिर शुद्ध कराना पड़ेगा। जानते हो कितना समय जाता है, कितनी ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए जिनको बढ़ना है, जिनको सीखना है, वो समय से जुड़े और समय से सुनेंगे और समय से सुनाएंगे, तो आपको भी आनंद रहेगा और हमें भी आनंद रहेगा। बीच में जुड़ेंगे और बीच में कहेंगे कि जी ऐसा है और हम सुनाना चाहते हैं, और फिर आपकी सबकी त्रुटियों को अलग अलग बताएंगे। देखो ना, ए अपने गुरु को इतना कष्ट नहीं देना, ध्यान रखना। गुरु सत्ता को जितना कष्ट देते हो ना, उन्नति नहीं हो पाएगी, याद रखना। इसलिए गुरु सत्ता के प्रति बड़ा सजग रहना पड़ता है। कल की कक्षा में हमने एक बात साझा की थी, योग दर्शन वाली में थी ये बात, परमात्मा की कृपा से, गुरु चरणों के आशीर्वाद से एक ऐसी स्थिति प्राप्त है वर्तमान में, गंभीर से गंभीर और गूढ़ से गूढ़ विषय पर अच्छे प्रकार चिंतन कर लेते हैं, समझने और समझाने की स्थिति प्राप्त हो जाती है प्रभु कृपा से। लेकिन आज भी साहस नहीं होता कि अपने आचार्य के कोई विषय, कोई सामान्य विषय तो ऐसा हमारे समक्ष नहीं होगा कि जिसमें हम उलझ जाएं, लेकिन यदि कोई विषय उलझ जाता है ना, और अपने आचार्य को लिख करके एक पंक्ति में प्रश्न करते हैं, जानते हो हमारे आचार्य उसका कितना उत्तर देते हैं? एक शब्द। अगर समझ आया तो ठीक, और समझ नहीं आया, इतना साहस नहीं होता आज भी, इतनी योग्यता के बाद भी, कि दोबारा ये कह दें आचार्य जी को व्हाट्सएप पर या फोन करके, आचार्य जी थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आचार्य जी से डरते हैं, या आचार्य जी ने हमारे ऊपर कोई ऐसा कोई शस्त्र तान रखा है कि पूछ लिया तो वो हमारी हत्या कर देंगे। वस्तुतः ये गुरु सत्ता के प्रति आदर है, सम्मान है। इसलिए सभी से निवेदन है, देखो आप जिस परंपरा में, चाहे आर्य समाज कोई अपने आप को जो मानता हो, जो आप मानते हो वो मानना घर छोड़ करके आइए, कक्षा में आते हो तो इस कक्षा का एक अनुशासन है, और उस अनुशासन में यदि आप चल सकते हैं, हृदय से स्वागत है। पूरी श्वास, एक एक श्वास का एक एक कण लगा दूंगा, जितना मेरे पास है, जितना मैं उपस्थित कर पाऊंगा, एक एक श्वास लगा दूंगा। लेकिन आग्रह से आओगे, बीच में आओगे, अनुशासनहीनता से आओगे, गुरु कुपित होता है तो बड़ी समस्या होती है, ये ध्यान रखना। तो गुरु सत्ता के प्रति आर्य समाज में ये बड़ी गंभीर समस्या है, शब्दों से बड़ी विनम्रता होती है लेकिन आचरण में नहीं होता। इसलिए सज्जनों, वास्तव में जो सत्य जन, सत्य आचरण है जिनका, ऐसे जो जन है उनको कहा जाता है सज्जन। तो आपके लिए संबोधन है, परमात्मा की ऐसी कृपा हम सब पर प्रतिदिन प्रतिपल हो रही है कि हम सज्जन ही हो जाएं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है हम कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। सीधी एक बात कहता हूं स्पष्टता से और फिर आगे विषय पर बढ़ता हूं। आर्य समाज के आचार्यों से सावधान रहो। आर्य समाज के आचार्य, अधिकांश आचार्य, या यूं कहूं लगभग सब, दुकानें चला रहे हैं, शुद्ध दुकानदारी कर रहे हैं। आर्य समाज के आचार्य आपके समक्ष वो विषय प्रस्तुत करते हैं जिन विषयों पर उनका स्वयं का भी प्रत्यक्ष नहीं है, और उन विषयों में जनमानस को उलझा रहे हैं, और आपके समक्ष उन विषयों को लाकर के एक तो दिग्भ्रमित वाली स्थिति उत्पन्न है, आपस में वैमनस्यता, आपस में विरोध, और इसके बाद में देखो, इसके बाद में सबसे खतरनाक स्थिति क्या है, आपके सामने आपकी और दूसरे के सामने दूसरे की, केवल दान चाहिए, केवल धन चाहिए, केवल दक्षिणा चाहिए,
ये है अधिकांश बड़े बड़े आचार्यों की बात कर रहा हूं, सामान्य की नहीं। इसलिए इन सबको भी आचरण सुधारने की आवश्यकता है। और ये सुधारे ना सुधारे, लेकिन हमें तो अपना आचरण सुधार ही लेना चाहिए। जिसका कर्म है वो अपना अपने आप जानेगा। और जो आचार्य होकर के इस मनोवृत्ति से ग्रस्त हैं, खाते हैं समाज का और करते हैं मनमानी, बात करते ऋषि की और चलाते हैं अपनी, बात करेंगे शास्त्रों की, प्रमाण देंगे वेदों का और जीते हैं वो संकीर्णता, वही बिल्कुल भी नहीं। इन सब लोगों से सावधान सावधान। जो वास्तव में विद्या देने वाला हो तो उसको आप क्या दे सकते हो, कितना धन दे सकते हो बताओ, कितना। इसलिए हम किसी से डरते नहीं और किसी की त्रुटि को हम छुपाते नहीं। अपनी यदि कोई हमें कहता आचार्य जी आपकी आज त्रुटि रही, भैया आगे से ध्यान रखें, क्षमा करना, हमारा ध्यान नहीं रहा या असावधानी से ऐसा हो गया, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं। इसलिए किसी से रत्ती भर हमें ये नहीं है कि दान दे, इससे दान आ जाएगा मोटा, इससे कोई धनराशि आ जाएगी, ये हमें ये दे दे, क्या दे सकते हो, कितना दे सकते हो, कितना दे सकते हो बताओ, कितना। बड़े बड़े प्रस्ताव आए हैं, बड़े बड़े मंदिरों के महंत तक बनाने के प्रस्ताव आए हैं, मंदिरों की, बड़े बड़े मंदिरों की, जहां की मासिक इनकम कई कई लाख रुपए होती है। इसलिए कक्षा में आइए तो अनुशासन पूर्वक आइए। हाँ, जो नियमित है वो इस बात को जानते हैं। और देखो, सबके लिए बड़ा, सबके चरणों में निवेदन कर रहा हूं मैं, भले ही आप मुझे आचार्य गुरु की कोटि में रखें, नेतृत्वकर्ता की कोटि में भी रखें, मैं सबके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, आप आग्रह से बाहर आइए। जो आर्य समाज से जुड़े भी हैं, आर्य समाज की छवि बहुत खराब हो गई है, सच में बहुत खराब हो गई है। आग्रह और विरोध केवल दो चीजें रह गई हैं बस। ना 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 ना, आर्य समाज की आत्मा तो समाप्त हो गई, मार दिया आर्य समाज की आत्मा को। आर्य समाज नेतृत्व करता है किनका? अरे समस्त जगत का, समस्त चेतनाओं का, समस्त प्राणियों का, समस्त सत्ताओं का। एक पंक्ति कह दूं स्पष्टता से, सटीक, समस्त स्थितियों को नेतृत्व देने का नाम है आर्य समाज। ये है वो ज्वाला, ये है वो अग्नि, ये है वो प्रकाश, ये है वो ज्ञान। उद्बुद्ध्यस्य अग्ने प्रति जागृहीत त्वम् इष्ट आपूर्ते संसृजेथा मयञ्च। बताओ हमारे जीवन में कहां है कि मेरे भीतर जो ज्ञानाग्नि प्रकट हो गई है, अब इस ज्ञानाग्नि से अन्यों को प्रकाशित करूंगा, अन्यों को दिशा प्रदान करूंगा, जो जहां है उसको वहीं से आगे बढ़ाऊंगा। बताओ कितने लोगों में ये बोध आया, कितने लोगों में ये ठसक है, कितने लोगों के हृदय में ये हर्ष है, बताओ। इसलिए बंधो, इस आग्रह और इस विरोध बुद्धि से बाहर आए। सच बताऊं, ये तुम्हारे आचार्य तुम्हें आपस में लड़वा रहे हैं और खुद मलाई रबड़ी खा रहे हैं। बात पौराणिकों की करते हैं, लेकिन पौराणिकों से ज्यादा खतरनाक है ये लोग, ज्यादा। क्योंकि एक बात कह करके फिर आगे विषय पर आता हूं। देखो, विरोध करना गलत नहीं है, विरोध का उद्देश्य होता है, विरोध का उद्देश्य होता है असत्य का निराकरण। किसी को हर्ट करना, जिसको इंग्लिश में हर्ट बोलते हैं, किसी का हृदय दुखाना, विरोध कभी भी नहीं होता। किसी को पराजित करना, कभी भी विरोध का ये उद्देश्य नहीं है। किसी के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर देना, कभी भी विरोध का उद्देश्य नहीं है। किसी को बहुत प्रभावित कर लेना, ये भी विरोध का उद्देश्य नहीं है। विरोध का उद्देश्य है समस्याओं का समाधान, शंका की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्ति। अर्थात विरोध सउद्देश्य होता, निरुद्देश्य नहीं। और आपके विरोध निरुद्देश्य है। इसलिए सज्जनों, वापस आइए, आपकी चेतना की यात्रा बाधित कर दी है इन लोगों ने, सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए। ओम। देखिए आज के विषय को देखते हैं। आज हमने देखा, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखिए महर्षि दनन जी का भाष्य देखते हैं पहले। ये न मनसा,
ये पदार्थ कर रहे हैं। येन मनसा इदम वस्तु जातम भूतम अतीतम भुवनम भवति इति भुवनम वर्तमान कालस्य संबंधी औणादिक क्यों एहसास कर रहे हैं। देखो कैसे खोलते हैं स्वामी जी, ये होती है ऋषि बुद्धि। चित्त प्रसादित हो जाता है, चित्त में आह्लाद आने लगता है। कितना सुंदर अर्थ खोला, देखो ना, भुवनम भवति इति भुवनम, जो है वो भुवनम। और क्या कहा फिर, वर्तमान कालस्य संबंधी, जो वर्तमान काल से संबंध है वो क्या है, भुवनम भविष्यत यद उत्पन्नस्य मानम भावी परिगृहितम परितः सर्वतो गृहितम ज्ञातम। ये परिगृहितम को इसका पदार्थ कर रहे हैं, पदार्थ पूर्वक इसको देखिए, कितना बढ़िया भाष्य उपस्थित कर रहे हैं। अमृतेना नाश रहितेना और परमात्मना सह युक्तेना। अब नाश रहितेना कौन होगा, तो देखो कितना बढ़िया संगतीकरण है, क्या बात है, परमात्मना सह युक्तेना, परमात्मा के साथ जो युक्त होगा वही कैसा हो जाएगा, अमृतेना अर्थात नाश रहितेना। बढ़िया, सर्वम समग्रम येन यज्ञः अग्निष्टोमादि विज्ञानम यो व्यवहारो वा सर्वम येन यज्ञः जिस यज्ञः, तो देखो यज्ञ का क्या अर्थ किया, अग्निष्टोमादि विज्ञानम यो व्यवहारो वा, तो यज्ञ को यानी उत्तम व्यवहार को भी महर्षि जी यज्ञ बता रहे हैं, शिष्टाचार को भी स्वामी जी यज्ञ बता रहे हैं, उत्तम आचार को, उत्तम व्यवहार को, सदव्यवहार को स्वामी दयानंद सरस्वती जी यज्ञ बता रहे हैं। अब बताओ क्या चाहिए, ऋषि ने अपना हृदय निकाल करके रख दिया, तब भी हम बस आपस में उलझने और उलझाने में रह गए, फिर तो हमारा ही दोष है ना। इसलिए कहा था यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम करोति किम्, तस्य आचार्य करोति किम्, तस्य ऋषिवर करोति किम्। अस्तु तायते तन्यते विस्तीर्यते, तायते का अर्थ कैसे कर रहे हैं, तन्यते विस्तीर्यते सप्त होता अग्निष्टो में अपि सप्त होतारो भवन्ति। इसका और एक व्यापक अर्थ करूंगा, सप्त होता को खोलूंगा और बढ़िया से। तत् मे मनः, तत् माने वह, मे यानी मम, मनः योग युक्तम चित्तम। देखो मन को कैसे खोल रहे हैं, योग युक्तम चित्तम स मनः शिव संकल्पम शिवो मोक्ष रूप संकल्पयो यस्य तत्। देखो ना और क्या चाहिए, शिव संकल्पम को कैसे खोला, शिवो मोक्ष रूप संकल्पयो यस्य तत् सा शिव संकल्पम अस्तु भवतु। और अन्वय देखिए क्या किया, हे मनुष्याः येनामृतेन भूतं भुवनं भविष्यत् सर्वं इदं परिगृहीतं भवति येन सप्तहूता यज्ञस्तायते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थ देखिए, हे मनुष्यो येन जिस मन से, या येन पद का अर्थ केवल जिस कर लेते हैं, जिसके द्वारा या जिस से ऐसा कर लेते हैं, अमृतेन नाश रहित परमात्मा के साथ युक्त होने वाले मन से अथवा मन के द्वारा, अमृतेन एक अर्थ ये भी, और यहां पर अमृतेन का अर्थ आत्मा भी लेंगे, इसका ऐसे भी अर्थ कर लेंगे, येन जिस मन के द्वारा, अमृतेन ना जो आत्मा, आत्मा मन के साथ, मन से युक्त होकर के, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुक्ते, देखो बात वही है, इस प्रकार से भी इसका अर्थ लेंगे। और क्या, भूतम व्यतीत हुआ, बीता गया, अतीत जिसको अतीत कह देते हो आप, भूतकाल कह दो, और भुवनम वर्तमान काल संबंधी, और भविष्यत होने वाला, आगे आने वाला, सर्वम इदम यह सब, सब कुछ त्रिकालस्थ, त्रिकाल में स्थित वस्तु मात्र, इन सबको कहा सर्वम इदम, ईशा वास्यम इदम सर्वम,
सब कुछ त्रिकाल में जो विद्यमान है और त्रिकाल से परे भी जो विद्यमान है, इसको भी प्रश्न किया किसी ने। आचार्य दर्शन पढ़ा रहे थे, विद्यार्थी ने एक प्रश्न किया, आचार्य ये बताओ आप कैसे कह सकते हो कि प्रलय अवस्था में अमुक स्थितियां होती हैं? प्रलय अवस्था में ना तो आपके पास साधन है ना मेरे पास साधन है, आपने कैसे जाना और मैं कैसे मान लूं आपकी बात को कि आपकी बात सत्य है? ये एक बात बता रहा हूं, ये इदम सर्वम त्रिकालस्थ और त्रिकाल के जो परे भी है उसको भी जो मैंने कहा, इसको स्पष्ट करने के लिए। तो आचार्य ने उत्तर दिया, बेटा प्रश्न आप बुद्धि से पूछ रहे हो, लेकिन इस प्रश्न को और इस प्रश्न के उत्तर को जो आपके समक्ष आया इसको यदि आपने प्रत्यक्ष करना है ना तो समाधि बल से जाना जाता है। आज भी आप प्रलय और उत्पत्ति इन सबको आज भी जान सकते हो। कैसे आचार्य? समाधि बल से, अर्थात समाधि में आज भी जान सकते हो। तो ऋषियों ने जाना और मैंने उनको खूब अच्छे से, भले ही मैं समाधि में अभी तक नहीं जान पाया हूं, मैं भी नहीं जान पाया हूं, लेकिन मैंने उनको वर्षों तक पढ़ा है, मैं ऋषियों के चरणों में नतमस्तक रहा हूं, वर्षों तक पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसलिए ये अब मुझे आभास होने लगा है कि हाँ ऋषियों का प्रत्यक्ष वास्तव में सत्य ही है, एकमात्र सत्य है, उसमें संशय कदाचित नहीं हो सकता, किंचित अपि न भविष्यति, किंचित भी नहीं हो सकता ऐसा। और परिगृहितम, सब ओर से गृहित होता अर्थात जाना जाता है ऐसा। परिगृहितम, परी मतलब चारों ओर से, गृहित मतलब ग्रहण किया जाने योग्य, जाना जाने योग्य ऐसा। येन और जिससे, इसी येन पद यहां पर फिर मन के लिए कहा, येन जिससे सप्त होता, देखो कितना बढ़िया करते हैं स्वामी जी, सात मनुष्य होता। दो प्रकार के वैसे तो यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्तमान में प्रचलित परंपराओं में दक्षिण में कई सारे यज्ञ आज भी होते हैं, उसमें प्रवर्ग यज्ञ है, उसमें अग्निष्टोम है ऐसे, और वृष्टि यज्ञ हैं आज भी दक्षिण में, ऐसे आचार्य हैं। मतलब मेरा तो कई बार भीतर ये भाव आता है कि उन आचार्यों को प्रणाम करने का कभी अवसर मिले, उनके सम्मुख बैठने का कभी अवसर मिले, उनके उनके उस आभा मंडल में, जो उनका पवित्र, जो उनका एक ओरा है, जो उनकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसके समीप कभी जाने का अवसर मिले तो कितनी सुंदर, कितनी अच्छी स्थितियां प्राप्त, उनके समीप बैठने का, कभी उनकी उस ज्ञान गंगा में कभी स्नान करने का अवसर मिले तो क्या ही उत्तम बात रहे। तो आज भी ऐसे आचार्य हैं दक्षिण में जो वृष्टि यज्ञ, अग्निष्टोम, प्रवर्ग यज्ञ आदि आज भी करना जानते, वो परंपराओं से आज भी उन चीजों को जीते। तो क्या अर्थ किया? सात होता, जिस एक यज्ञ को मिलकर के सात होता करते, सात मनुष्य, इसे अग्निष्टोम कहते हैं। अग्निष्टोम आदि ऐसे कई सारे यज्ञ हैं जिसमें सात होता होते हैं, मुख्य रूप से सात, जैसे यजमान एक होता है ना, यज्ञ को करने हारा मुख्य यजमान एक होता, बाकी सब लोगों को भी बैठा लिया जाता है, ऐसे उसमें सात होता होते हैं। होता कहते हैं हवन करने वाले को, विशेष रूप से श्रेष्ठ कर्म करने वाले को और श्रेष्ठ आचरण को, श्रेष्ठ आचरण वाले जहां सात लोग एकत्र हो जावे वहां पर कहेंगे सप्त होता। श्रेष्ठ आचरण जिनका है और ऐसे सात लोग जहां उपस्थित हो जाएं, पराजित नहीं होंगे, सर्वत्र विजय ही होगा इनका, सर्वत्र। दो अर्थ हो गए, और देखिए, पांच प्राण, छठा जीवात्मा और सातवां अव्यक्त, ये सात से जिसमें लेना देना हो, आदान प्रदान हो, जिसमें शमु रातिशाचा, पीछे पद देखा था ना हमने, बिल्कुल वैसी ही बात है। पांच प्राण हो गए, छठा जीवात्मा हो गया, सातवां अव्यक्त, अव्यक्त कहते हैं प्रकृति को, लेने देने वाले हो जिसमें, अर्थात प्रकृति में, संसार में, इनको भी सप्त होता कहा जाता है। पांच प्राण के द्वारा क्रियाएं होती, घटित होती हैं, करने वाला आत्मा होता है, और किसके माध्यम से होता है तो प्रकृति के माध्यम से, ये भी सात होता है।
हवन करने वाला सात होता। परमात्मा सबसे बड़ा होता है। परमात्मा सबसे बड़ा होता है और कैसा अद्वितीय होता है। निष्काम नहीं, बिल्कुल एकदम विमुक्त, सर्वत्र कैवल्य स्थिति में सब कामों को करता है। सब में है लेकिन निर्लिप्त है। सोचो, उदाहरण के लिए हम मार्ग से जा रहे हैं, कहीं पर कोई जीव काम क्रीड़ा में लिप्त हो, प्रायः करके एक उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए, प्रभु को समझने के लिए, अपने प्रभु को समझने के लिए ये संसार उसने बना करके दिया कि देखो यहां से समझ सकते हो, और फिर मुझे देखो, मुझे समझने की कोशिश करो संसार को देख करके, आचार्यों से समझने की कोशिश करो, शास्त्रों से देखो, शास्त्र तुम्हारी आंखें हैं इत्यादि। तो हम मार्ग से जा रहे हैं, किसी प्राणी को हमने मार्ग में देखा कि वो काम क्रीड़ा में लगे हुए। कई बार हमारे मन में भी विकार आ जाता है ना, या विकार नहीं है तो काम भावना जागृत हो जाती है ना, लेकिन देखो ना मेरा प्रभु समस्त प्राणियों के भीतर विद्यमान है, समस्त संसार में, समस्त समूचे ब्रह्मांड में विद्यमान है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं देवी, सब कुछ में विद्यमान है, सब कुछ में उपस्थित है, सबका दृष्टा है, लेकिन प्रभु अलौकिक हो, वास्तव में अनुकरणीय हो। ऐसी स्थितियों को देख करके श्रद्धा से आपके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। आप कहीं भी लिप्त नहीं होते, कभी भी आपको कोई भी वस्तु बांधती नहीं है, आप सदैव निष्प्रभावी रहते हैं, सदैव अलग रहते हैं, सदैव विलग रहते हैं, सदैव निर्लेप रहते हैं, सदैव निर्लिप्त रहते हैं। कितनी सुंदर बात है। तो सप्त होता कि हमने तीन प्रकार से अर्थ किया। आगे देखिए, जिस ये सात होता मनुष्य और ऐसा अग्निष्टोम आदि करने वाले जहां एकत्र विद्यमान हो इनको सप्त होता कहेंगे, पांच प्राण, छठा जीवात्मा और सातवां अव्यक्त इनको सप्त होता कहेंगे, और श्रेष्ठ आचार है जिनका, ऐसे सात मनुष्य एक ही स्थान पर, एक ही सभा में, एक ही परिवार में, एक ही समाज में, एक ही संस्था में, एक ही गांव में, जहां एकत्र हो, एकत्र निवास करते हो, उनको भी सप्त होता कहेंगे। ऐसा तो ये सात लेने देने वाले जिसमें हो वह, अर्थात आदान प्रदान इन सात के माध्यम से आपस में चलता हो वह यज्ञ, हाँ, अग्निष्टोमादि अथवा विज्ञान रूप व्यवहार। अब ज्ञान और विज्ञान दो शब्द हैं, इनको आज समझ लीजिए। दूध में घृत है, दूध में घृत है, ये ज्ञान है। दूध में घृत है ये जान लेना ज्ञान है, और घृत प्राप्त कर लेना विज्ञान है। अब भूलना मत, दूध में घृत है ये जानकारी प्राप्त कर लेना, इसको कहेंगे ज्ञान, और दूध से घृत निकाल लेना इसको कहेंगे विज्ञान। बहुत सरल परिभाषा बता, यद्यपि ज्ञान प्रत्यय की एकतांता को कहते हैं, ज्ञान प्रत्यक्षात्मक जो प्रत्यय की एकतांता होती है उसको कहते हैं, लेकिन सामान्यता से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अग्निष्टोम आदि यज्ञ का अर्थ किया, और विज्ञान रूप व्यवहार जिसमें आचरण पूर्वक जो फल प्राप्त हो गया है, तद अवस्थे चेतसी, भगवान पतंजलि को स्मरण करो, अर्थात जो मैंने वेद मंत्र पढ़ा, उस मंत्र का अर्थ देखा, और उस अर्थ के बाद मैंने जो आचरण किया, उस आचरण के बाद जो फल प्राप्ति है उसको कहेंगे विज्ञान रूप व्यवहार। तायते, जिसमें बढ़ाया जाता है, विस्तृत किया जाता है। तत् वह, में, मेरा, मनः, योग युक्त चित्त, शिव संकल्प, मोक्ष रूप संकल्प वाला हो जावे। देखो, बताओ इससे बृहद संकल्प और क्या हो सकता है। आदि योगी भगवान शिव को देखिए, कैसा संकल्प था, क्या है? मोक्ष रूप संकल्प नहीं था, कंठ में हलाहल विष तक को धारण कर लिया, और कंठ में ही रोक लिया, कंठ में, गले में सर्पों की मालाएं हैं, चहु और सर्प विद्यमान है, मोर विद्यमान है, गाय विद्यमान है, वहीं पर सिंह विद्यमान है,
वहीं पर चूहा विद्यमान है, प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण देखो आदि योगी शिव से प्रत्यक्ष सीखने को मिलता है। आंखें बंद मत करो, आग्रह रखने से हम बहुत सारी संभावनाओं से चूक जाते हैं, बहुत सारी संभावनाओं से। इसलिए आग्रह को छोड़ करके हम तटस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, स्व में स्थित हो जाना ही शिव संकल्प हो जाना है। एक नया अर्थ, स्व में स्थित होने को ही कहा जाता है स्वस्थ, और स्वस्थ स्व में स्थित हो जाना ही स्व शिव संकल्प कहता है। ठीक है जी, तो देखिए भावार देख लीजिए, हे मनुष्यों जो चित्त योगाभ्यास के साधन और उपसाधनों से सिद्ध हुआ, भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता। मन का सामर्थ्य है, मन का यही बैठे जान सकते हो, यही बैठे बता सकते हो कि अमुक उस व्यक्ति के साथ क्या स्थिति होने वाली है, अमुक स्थान पर क्या होने वाला। लेकिन योगी इसे भी बाधक देख लेता है और आगे बढ़ जाता है। वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता, सब सृष्टि का जानने वाला, कर्म उपासना और ज्ञान का साधन है, उसको सदा ही कल्याण में युक्त करो, कल्याण के लिए युक्त करो। कल एक बालक था, उसने कल एक सत्ता है राधा, भगवान कृष्ण के साथ राधा को जोड़ा जाता है, एक पक्ष भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी को जोड़ते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण की जो देवी जी थी वो मां रुक्मिणी थी, ये निर्विवाद रूप से सत्य है। लेकिन उसके बाद में राधा नाम की एक स्त्री को उनके साथ जोड़ा गया। मैं उसको बहुत ठीक नहीं मानता, लेकिन मान लेते हैं। वो मुगल काल में वो एक षड्यंत्र था, मुगल काल में चूंकि मुगल शासकों ने कुछ ऐसे ग्रंथ रचवाए जिससे उत्तम, जहां से प्रेरणा ली जा सकती थी, जहां से हमें बोध प्राप्त हो सकता था, उनको कलंकित करने के लिए हमारे ही पंडितों को जो बिक गए थे, जो विद्वान केवल अर्थवृत्ति के लिए, जिन्होंने अपने अंतःकरण को बेच दिया था अथवा भय के कारण, हमारे ही अपने लोगों से कुछ ग्रंथ लिखवाए गए, उसमें ही ये भागवत पुराण भी आता है, उसमें ही अनेकों इस प्रकार के शिव महापुराण, इनकी पूरी हिस्ट्री देखो तो बहुत पुराने नहीं है, इनका मूल इतिहास ये है। लेकिन कोई व्यक्ति राधा 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 जप कर रहा है। कल एक युवक ने एक वाक्य लिखा जिसे हिजड़ा बनना हो वो राधा जाप करे, ये उसके शब्द शब्द बता रहा हूं, और जिसे अर्जुन की भांति उसकी शब्द शब्दावली, यानी उसे शब्द लिखने का भी पता नहीं है कि शब्द लिखते कैसे हैं, लेकिन वो ज्ञान पे रहा है। अर्जुन की भांति अगर वीर बनना है तो गीता पढ़े, ऐसा बोले। इस द्वेष बुद्धि से आप परिवर्तन लाओगे, इस भयंकर, तुम भयंकर किस स्थिति में जल रहे हो, और तुम कहते हो सत्य को सत्य ही कहना चाहिए, मतलब इस भ्रम में भी हो, अभी एक तो बदतमीजी ऊपर से भ्रम, मतलब इस बात पे गर्व भी करते हो। उस युवक को काफी देर तक मैंने बड़े प्यार से समझाया, बड़े प्यार से, फिर मैंने कहा चलो सब लोगों के लिए इसको एकत्र भी कर लेते, संकलित कर लेते, तो फिर इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया, वो आप देखिएगा, उसमें चैट पढ़िएगा। ये केवल इसलिए बता रहा हूं कि देखो हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए, मैं क्या जी पाता हूं। कई बार कई लोग जब ज्यादा परेशान कर देते हैं, हमारी स्थितियों को भी विचलित कर दिया जाता है, कई बार ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा मूल स्वभाव क्या है और आपका भी आचरण क्या होना चाहिए, उसके लिए एक मिनट का वो वीडियो है, वो आप अवश्य देखिएगा। इसलिए नहीं कि आपको वीडियो में दिखाना चाहता हूं, बस इसलिए वो बात है, ऐसे लोगों के साथ जो धृष्टता कर रहे हैं उनके साथ भी, उसके भीतर द्वेष, अगर मैंने भी उसके द्वेष से द्वेषित होकर के द्वेष ही बढ़ाया,
तो मेरे स्तर में और उसके स्तर में फिर क्या अंतर रहा? वो द्वेष में मैं उसे प्यार से सहला दूं, मैं उसे प्रेम भरी करुणा भरी दृष्टि से देखूं, प्यार ही समाधान है, प्रेम पूर्वक व्यवहार ही समाधान है। किसी को अपमानित करके, किसी को नीचा दिखा करके, किसी को घृणा की दृष्टि से, किसी को नीचता की दृष्टि से देख करके कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सका और कभी नहीं हो सकता। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कई बार लोग बहुत परेशान कर देते हैं, जबकि हम बार बार निवेदन करते हैं, बंधुओं आदरणीयों, पूरे दिन में 6-7 से 8 कक्षाएं तक भी हो जाती हैं किसी किसी दिन। 8 कक्षाओं में आप बोल करके देखो, पढ़ा करके देखो। भोजन कई बार ऐसा होता है कि दोपहर का भोजन सायंकाल करते हैं इतनी व्यस्तता होती है। लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं समझना चाहते कि एक व्यक्ति तुम्हारे लिए अपने जीवन की एक एक बूंद लगा रहा और आप उसके साथ भी ऐसे हैं। ऐसा नहीं है हमारे भीतर और रुद्र स्वभाव नहीं। भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं आज भी, निराकार शिव को अपने हृदय में बसाते हैं और साक्षात जो जिसको प्रमाण मानते हैं भगवान शिव को मानते हैं। अगर तांडव पे आ गए ना, तो जब तक मां कालिका नहीं आ जाएंगी तब तक रोक नहीं पाएगा कोई। इसलिए आप भी अपने भीतर ये स्थिति धारण करो। अगर किसी को बढ़ाना चाहते हो, किसी की उन्नति चाहते हो, जिसके भीतर उन्नति की संभावना है, उसको तो प्रेम से ही बढ़ाना पड़ेगा। जहां है उसे वही प्रेम दो, वही वही से उसको कहो मैं भी तेरा हूं। जैसे एक माँ अपने शिशु को शिशु के स्तर पर बात करती है, उसे पता है कि तुतलाना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन आंखों से बड़े प्रेम से बड़ी कोमलता, देखो कितनी कोमल दृष्टि है वहां पर, कितनी पवित्र दृष्टि कर लेती है माँ अपनी, जबकि उसने काम भाव जिया है, उसने सब कुछ जिया है, सब कुछ देखा है, तब भी शिशु के साथ कैसे आती है? एकदम पवित्र, एकदम निश्चल तुतला के बात करती है। क्या हम सबका ये प्रत्यक्ष नहीं है? हाय दुर्भाग्य, हाय दुर्भाग्य, शोक, महाशोक, हम सबका ये देखा जाना समझा विषय है, लेकिन तब भी हम कुछ सीख नहीं ले पाए। हमें भी ऐसा ही करना है। जिसके भीतर उन्नति की संभावना है उसके साथ हमें बड़े प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तब उन्नति होती है, तब होता है कल्याण। जो अच्छा लगता है उसमें कल्याण भी है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये मन के रंज हैं जो अच्छे लगते हैं, ये त्रिगुणों का खेल है। त्रिगुणों को ही माया कह दिया जाता है, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस माया को जिसने अपने अधीन कर लिया वो मायापति हो गया, और जो इस माया के अधीन हो गया वो इस माया का दास हो गया। इन्हीं त्रिगुण को कहा है, त्रिगुण अर्थात प्रकृति को। बस यही तो समझना है, बहुत कुछ नहीं समझना, सब कुछ समझ भी नहीं सकते। किसी एक को समझ लीजिए, शास्त्र छोड़ दो, मां के उस शैशव काल के उस व्यवहार को सीख लो, बस सारे शास्त्र समाहित हो जाएंगे, बस उसको सीख लो, बस उसको। शास्त्र पढ़ते जाते हैं, रटते जाते हैं, लेकिन जीवन में क्या है, आचरण में क्या है? इसलिए आओ फिर से उठ खड़े हो, फिर से एक बार एक नवीन संकल्प के साथ फिर से अपने भीतर शिवत्व को धारण करें, शिवमय हो जाएं, एक नई ऊर्जा के साथ पुनः एक उद्घोष करें स्वयं के लिए सबसे प्रथम कि मुझे अब बढ़ना ही है, मुझे रुकना नहीं है। बाधाएं, प्रतिकूलताएं, अनेकों प्रकार की उपद्रव, अनेकों प्रकार के विघ्न मेरे समक्ष उपस्थित किए जाएंगे, ना केवल सामान्य जनमानस के द्वारा अपितु आचार्यों विद्वानों के द्वारा भी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं अब उस यात्रा पर चल पड़ा हूं जिस यात्रा में मेरे अंग संग सदैव वो विद्यमान है, ईशा वास्यम इदम सर्वम। और अपने भीतर एक स्थिति को घटित होने के लिए प्रतिदिन निरंतर प्रयत्न करो। असंगो अहम पुरुष इति, मैं असंग हूं, याद रखना। आज की कक्षा की अंतिम बात,
जिस दिन हम में से जो भी असंग हो गया शिव हो गया। जो संकल्प आपको असंग कर दे वही संकल्प है शिव संकल्प। मेरी ओर से आज के विषय को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आपको कुछ स्पष्टता आई होगी, कुछ बोध मिला होगा। परमात्मा से भी आप सबके लिए स्वयं के लिए भी यही प्रार्थना करता हूं, यही कामना करता हूं, प्रभु हम सब की रक्षा कीजिए। हम सब वास्तव में गिर गए हैं चहुं ओर से, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम वो शिशु हैं जिस शिशु को चहुं ओर से सियारों ने, गीदड़ों ने, जंगली कुत्तों ने, इन सब ने मिलकर के घेर लिया है। प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हम आपके शरण में, हमारी रक्षा कीजिए। हम अबोध ही हैं, हमें वास्तव में बोध नहीं मिल रहा। प्रभु हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। अवतुमाम 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 ओम। ठीक है, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न वैसे आज लेना नहीं चाहिए क्योंकि पर्याप्त समय हो गया, फिर भी रामपाल जी ने हैंडल किया। जी रामपाल जी। आचार्य जी मेरी तो एक ही विनती है, हम सब विद्यार्थियों से श्रद्धावान लगते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा होती है आयु बाद नहीं होती इसमें, जिसके अंदर श्रद्धा होते है वही गुरु की श्रद्धा से बात सुनेगा, हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त होगा। आयु हमारे आड़े आनी नहीं चाहिए, जो गुण में श्रेष्ठ है वही गुरु है। जी धन्यवाद। आइए आज की कक्षा को विराम देते हैं। अपने परम प्रभु को, अपने सदैव रक्षक को, जो भीतर से बाहर से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से इतर तितर अतस्ततः इतस्ततः सर्वत्र यत्र सदैव मेरी रक्षा करें, ऐसे ऐसे मेरे सखा, ऐसे मेरे अनन्य प्रभु, ऐसे मेरे स्वामी, ऐसे मेरे अधिपति, ऐसे मेरे अधिष्ठाता, ऐसे परमात्मा, मैं उनकी शरणागत हूं, मैं उनका बालक हूं, मैं उनका अबोध शिशु हूं, वो मेरी माँ है, माँ मैया मेरी रक्षा करो, मैं आपके आंचल में आना चाहता हूं। मैं जानता हूं यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, माँ आपका आंचल ही मेरी रक्षा करने वाला है। आपके आंचल से जब जब विलग होता हूं ना, तब तब अनेकों प्रकार के विघ्न अगन, अनेकों प्रकार की बाधाएं, अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताएं, अनेकों प्रकार के शत्रु रूप सियार, भेड़िए, लोमड़ी, जंगली कुत्ते, शेर, इस प्रकार के अनेकों प्रकार के शत्रु पक्ष आकर के मुझे चहुं ओर से घेर लेते हैं। माँ तेरा ही आंचल चाहिए, यस्य छाया अमृतम, तेरा आंचल ही, तेरा आश्रय ही मेरा अमृत है। मुझे अपने आंचल से पृथक मत कर माँ, मैं तेरी शरण में हूं, मैं तेरी शरण में ही रहना चाहता हूं, तेरे वात्सल्य में ही मैं रहना चाहता हूं, मैं जहां भी रहूं तेरे वात्सल्य से कभी अलग ना हो जाऊं। ऐसी शुद्ध भावनाओं के साथ एक बार उस माँ के मुख्य नाम को बड़ी प्रेम बड़ी श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ स्मरण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे सीधे बैठ करके, कोमलता से आंखें बंद करते हुए और प्रणव का उच्चारण करेंगे। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम।